नमस्कार, आप देख रहे हैं वन न्यूज और आपके साथ मैं हूं मनीषा गोदारा। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। दुनिया भर में कोरोना का कोहराम जारी, अब तक 85 लाख से ज्यादा लोग हुए संक्रमित, तो 4,56,000 से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान, वहीं 45 लाख से ज्यादा मरीज इलाज के बाद हुए थे। भारत में कोरोना का कहर जारी, संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 3,80,000 के पार, तो अब तक 12,573 लोगों की मौत, वहीं 2 लाख से ज्यादा मरीज हुए ठीक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक, राजनीतिक दलों के अध्यक्षों के साथ करेंगे वर्चुअल बैठक, भारत चीन के मौजूदा हालातों पर होगी चर्चा। राज्यसभा की 19 सीटों के लिए मतदान जारी, 8 राज्यों की 19 राज्यसभा सीटों पर आज हो रही वोटिंग, 2 प्रदेशों की 5 सीटों पर निर्विरोध चुने गए प्रत्याशी, तो राजस्थान में 2 सीटों पर कांग्रेस की जीत तय। राजस्थान में कोरोना संक्रमण का बढ़ा ग्राफ, आज 52 नए कोरोना पॉजिटिव मामले आए सामने, कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 14,000 के करीब, तो कोरोना से अब तक 331 लोगों ने गंवाई जान।